अयोध्या में राम मंदिर में 22 जनवरी को होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से कांग्रेस ने दूरी बना ली है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने न्योते को ठुकरा दिया है। इसके अलावा कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी भी राम मंदिर के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। पार्टी की तरफ से एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी गई है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बयान जारी करते हुए कहा कि पिछले महीने कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी को 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में आयोजित होने वाले राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। हमारे देश में लाखों लोग भगवान राम की पूजा करते हैं। धर्म एक निजी मामला है, लेकिन आरएसएस बीजेपी ने लंबे समय से अयोध्या में राम मंदिर को राजनीतिक प्रोजेक्ट बना दिया है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी और आरएसएस के नेताओं द्वारा अधूरे मंदिर का उद्घाटन स्पष्ट रूप से चुनावी लाभ के लिए किया जा रहा है। 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करते हुए और भगवान राम का सम्मान करने वाले लाखों लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी ने स्पष्ट रूप से आरएसएस बीजेपी के कार्यक्रम के निमंत्रण को सम्मानपूर्वक अस्वीकार कर दिया है। बता दें, इससे पहले भी कांग्रेस के कई नेताओं ने बीजेपी की ओर से भेजे जा रहे निमंत्रण पत्रों को लेकर आपत्ति जताई थी। कई नेताओं ने तो यहाँ तक कहा था कि उनका मन जब करेगा वो अयोध्या जाएंगे, उन्हें किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं है। अब जिस तरीके से कांग्रेस ने बयान जारी कर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से दूरी बना ली है, साफ तौर पर कहा जा सकता है इंडिया गठबंधन के कई नेताओं की तरफ से भी कुछ इसी तरीके के बयान सामने आ सकते हैं।